If x, y are integer solution of this and this, then the value of mod x plus y is. मतलब यहाँ पे अपने को ये पता है कि x, y क्या है, एक integral solution है. तो उसको पहले हम लोग factorize कर देना. ये क्या हो जाएगा, 2x square minus 4xy plus xy minus 2y square equal to 7. यहां से 2x कॉमन लिया मैं, तो यहां से x minus 2y आ गया, प्लस y कॉमन लिया तो x माइनस टू वाई आ गया इक्वल टू 7. वेक्टर किया x माइनस टू वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. यहां पे चार केस बन रहे हैं. मैं बोल रहा हूं x यदि इंटीजर है और y भी इंटीजर है तो x माइनस टू वाई भी इंटीजर तय है. दो इंटीजर का मल्टीप्लाई 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको माना मैं a और इसको माना बी. यहां पे अपने पास दो केस है, चार केस वैसे बनेंगे. ए की वैल्यू या तो 1 हो जाए, बी की वैल्यू 7, या तो ए की वैल्यू 7 हो जाए, बी की वैल्यू 1, या तो ए की वैल्यू -1 हो जाए, बी की वैल्यू -7, या तो ए की वैल्यू -7 हो जाए, बी की वैल्यू -7. तभी भी ये दो का, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 7 आ सकता है. पहला केस मैं लेता हूं, केस नंबर 1. केस नंबर 1 मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 1 ले लिया और 2x प्लस y को ले लिया 7. यहां से रिप्लेसमेंट क्या क्या, x इक्वल टू 2y प्लस 1 रख दिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व किया, x के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, 2y प्लस 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 7. तो 5 बराबर 5 मतलब y बराबर 1, y बराबर जैसे ही 1 आया x बराबर कितना आ गया 3. ओके, पहला केस माना, तो इसमें क्या आ रहा है, y बराबर 1 आ रहा है और x बराबर 3. यहीं पे आंसर नहीं मार देना है कि सम कितना होगा, तो 4 होगा. अभी तीन केस और हैं. यदि मैं उल्टा मान, इसको 7 मान लूं, मतलब केस 2 ले लूं, आइए केस 2 ले लेता हूं, उसमें क्या होगा, x माइनस 2y को मैं 7 माना और 2x प्लस y को मैं क्या माना, 1 माना. अच्छा, आंसर xy इंटीजर आना चाहिए, मानने से नहीं होगा. यदि मैं इसको सॉल्व करूं एक्स वाई इंटीजर नहीं आया, मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ऐसा कह सकते. फिर से मैं क्या करूंगा, एक्स के जगह पे 2y प्लस 7 रिप्लेस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4y प्लस 14 प्लस y इक्वल टू 1. यहाँ पे y की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, मतलब सेकेंड केस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, केस नंबर 3. केस नंबर 3 की बात करूं तो x माइनस 2y को अपने माइनस 1 ले रहे हैं और x 2x प्लस y को माइनस 7 ले रहा हूं. फिर से रिप्लेस करूंगा x को 2y माइनस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4y माइनस 2 प्लस y इक्वल टू माइनस 7. तो यहां से 5y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5. y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1. y की यदि वैल्यू माइनस 1 आ गई है तो यहां पे पुट किया तो माइनस 1, वो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई. सिमिलरली फोर्थ केस में देखेंगे तो इसमें भी नो सॉल्यूशन आएगा. लेकिन दोनों केस की बात करूं तो दोनों को ऐड करके मॉडुलस ले लूं तो 4 ही आंसर आ रहा है. तो इसका आंसर क्या हो गया, b, द रिक्वायर्ड आंसर.